नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। एम्ब्रॉयडरी की बूटी की डिज़ाइन है जिसे आप बहुत आसानी से नॉर्मल नीडल के साथ में बना सकते हैं। इसके लिए हमने ये ड्रॉ किया है सर्कल और उसके बाद में कुछ ही पत्तियों का शेप है। और यहाँ पर इस डिज़ाइन के लिए हमें लेनी है ये जो पत्ती है ऊपर की दो और नीचे की ये वाली दो और सेंटर में एक, उस पे ये बीड्स अटैच करना है। सेंटर पे एक सिंगल बीड आएगा ये गोल्डन और ऊपर जो पत्तियां हैं वहां पर हमें तीन तीन ये बीड्स अटैच करने हैं। और इसे इस तरह से लॉक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ सिंगल सिंगल ये एक साथ में अटैच कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर इस तरह से एक साथ अटैच करके उसे लॉक कर सकते हैं। एक साथ डालने से ये एक साथ जुड़े हुए इस तरह से लगेंगे। ऊपर की ये दो पत्तियां और नीचे की दो पत्तियां उन पे ये अटैच करना है। आप ये चाहें तो आरी के साथ में भी अटैच कर सकते हैं और ये आरी से पूरी बूटी बना सकते हैं। और अगर आपको आरी वर्क नहीं आता है तो ये नॉर्मल नीडल के साथ में बहुत इजीली हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये बीट्स अटैच हो गए हैं और उसके बाद में हमें लेनी है जरदोजी। बाकी की इन पत्तियों पे हमें जरदोजी अंदर की फिलिंग करनी है। ये जरदोजी ली है हमने, कॉपर कलर में है ये और इसे हमने कट किया है छोटी साइज में। और कट करने के बाद नॉर्मल सुई धागे से इसे अटैच करेंगे। ये सुई इस तरह से बाहर निकाल के इसमें एक ये लंबी जरदोजी अटैच की है और यहाँ इसके पास में से जो सुई निकाली है उसमें पीरो का जरदोजी इस तरह से तीछा हमें ये अटैच करना है। ये इसके ऊपर जो सीधी जरदोजी है इसके ऊपर तीछी अटैच करनी है जिससे इसमें थोड़ा ये उभार सा दिखेगा। और ये हमारी जो पत्ती का शेप है उसके अंदर ये जरदोजी फिलिंग का काम करेगी। ये हो गया। अभी ऊपर की ये जो हमारी पत्तियां हैं उन पे सारी यही अटैच करनी है। यहां से लेकर हम थोड़ा नीचे की ओर इस तरह से लेफ्ट में आए हैं ये जरदोजी को, तो जो दूसरी साइड में जो पत्ती है उसमें भी अपोजिट डायरेक्शन से इसे अटैच करना है। हर एक पत्ती में इस तरह से चार चार ये जरदोजी ऊपर की ओर ये रहेगी स्ट्रेट, वो पांचवी भी सामने वाली पत्ती है तो इसका जो शेप रहेगा इसी तरह से। यहाँ अब ये राइट साइड में हमने इसमें तिरछा लिया है। इस तरह से ही हमने जरदोजी अटैच की है सेंटर में। देखिए यहाँ पर दो ही है जरदोजी की, सेंटर की जो लीफ यहाँ पर एक खाली है, तो यहाँ इसी तरह से हमें एक स्ट्रेट आएगी उसके बाद में दो जरदोजी इसके ऊपर तेचा अटैच करना है। और इस तरह से सारी पत्तियों पे हमारी ये जरदोजी अटैच हो गई है। इसी डायरेक्शन से हमें अटैच करनी है। अभी जो आउटर की लाइनिंग है उस पे हमें स्मॉल बीड्स यूज़ करने हैं। ये स्मॉल साइज़ के ये बीड्स लेने हैं और ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पर सेंटर से यहाँ सुई धागा लेकर इसमें
हमें ये 20 पिरोने हैं और उतने पिरोने हैं जो इस मोती के चारों ओर आ सके। तो इतने हमने सुई में पिरोए हैं और जहाँ से सुई बाहर निकाली है वहाँ वापस अंदर डालनी है। इससे ये जो बीट्स है वो रिंग के रूप में हो जाएंगे और ये जो सेंटर का बड़ा बीट्स है उसकी चारों ओर ये रहेगा और इसे लॉक कर देना है ये नॉर्मल सुई धागे से। उसके बाद में ये पत्तियों के ऊपर हमें ये बीट्स को अटैच करना है। यहाँ पर जो पत्ती का शेप है ऊपर की साइड में जितने हमें ये बीट्स चाहिए उतने एक बार पिरोने हैं और इसका शेप देखकर इस तरह से सुई को वापस अंदर डालेंगे और इसके ऊपर लॉक देना है। इसके बाद में यहाँ इस साइड से हमने वापस सुई धागा बाहर निकाला और यहाँ तक जितना यहाँ से यहाँ तक जितने बीट्स आएंगे उतने हमें पिरोने हैं। ये इसलिए कि ऊपर एक दो बीट्स एक्स्ट्रा रहेंगे तो इससे इसका शेप एकदम कोन की तरह बाहर आएगा इस पत्ती का। देखिए जितने हमने चाहिए थे उतने लिए और यहाँ थोड़ा सा नीचे हम इसे सुई धागा अंदर डाला है और फिर दूसरी जो पत्ती है उसके ऊपर ऊपर की साइड में इसी तरह से सुई धागे से ये बीट्स अटैच करने हैं। और फिर इसे लॉक करना है। अभी इस पत्ती की दूसरी साइड में हमें चाहिए तो यहाँ से हम इसमें इतने हिस्से तक जितनी ये पत्ती खाली है उतने हिस्से तक जितने हमें बीट्स चाहिए वो पिरो के हम यहाँ पर अटैच करेंगे। और यही तरीका सारी पत्तियों के ऊपर रहेगा और हमें ही इसकी बाउंड्री को कंप्लीट करना है। इन सारी पत्तियों पे यही तरीके से हम अटैच कर चुके हैं और नीचे का जो हिस्सा है नीचे की जो लीफ है वहाँ पर हम ये बीट्स पिरोएंगे और एक बड़ा बीट लेना है इसके एंड में वो हमें इसके साथ में पिरोना है। और इस तरह से सुई को वापस अंदर डालेंगे और अभी इन बीट्स को लॉक कर देना है। अभी इस पत्ती की दूसरी साइड में भी हमें ये बीट्स अटैच कर देने हैं। ये बूटी की डिज़ाइन बहुत ही भरा भरा सा लुक देती है और इसका लुक बहुत सुंदर आएगा। अभी यहाँ पर आपको इसकी वैरायटी शायद कम दिखे पर इसका लुक बहुत अच्छा आता है जब आप इसे एक साथ में पूरा बन के रेडी करते हैं। बहुत सारी बूटी होंगी जैसे आप ये नेक लाइन पे एक एक बूटी भी ले सकते हैं या फिर चोली लेंथ तक कुछ बूटियाँ बना सकते हैं और अपनी पूरी कुर्ती बाकी प्लेन रख सकते हैं। ब्लाउज़ में स्लीव्स में यूज़ कर सकते हैं आपको ज़्यादा नहीं बनानी है तो, या फिर बैक पोर्शन में कुछ इन बूटियों को बना सकते हैं। और इन्हें बनाना तो बहुत आसान है, इसका लुक बहुत सुंदर आता है। इस पर जब भी फ्लैश रहेगी या ये वेव के कारण ऊपर नीचे इसका लुक आता है इसका लुक बहुत सुंदर आएगा। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से ये बूटी की डिज़ाइन ऐसे रहेगी। ये लुक इसका बहुत हैवी आएगा। और एम्ब्रॉयडरी की और नई नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।